नमस्कार दोस्तों, रीट परीक्षा भर्ती को लेकर एक बार फिर से जो है संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, राजस्थान में फिर से जो है लॉकडाउन की तैयारी हो चुकी है और दोस्तों धारा 144 जो है 21 अप्रैल तक जो है नाइट कर्फ्यू के रूप में बदल चुकी है। काफ़ी जिलों में जो है एक बार फिर से जो है धारा लग चुकी है। आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत ने आज आवासीय बैठक में एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसी के अलावा दोस्तों, रीट परीक्षा भर्ती जो है फिर से स्थगित होने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए, क्या बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है रीट परीक्षा भर्ती को लेकर। काफ़ी प्रतिपक्ष और विपक्ष के नेता जो हैं वो भी अपना समर्थन दे चुके हैं रीट परीक्षा तिथि को बदलने को लेकर। और आखिर जैन समाज की क्या बड़ी यहाँ पे घोषणा की गई है, अगर रीट परीक्षा तिथि को बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, संपूर्ण जानकारी रीट परीक्षा तिथि से लेकर हर प्रकार की अपडेट हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अवगत कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी प्रकार से आप रीट परीक्षा से संबंधित पल पल की अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानने के लिए वीडियो के नीचे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पहले देखो पहले सीखो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही जो घंटे का आइकन है इसको भी दबा के ऑन कर लें लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जी, राजस्थान की ऑफिशियल रिपोर्ट के माध्यम से प्रदेश में धारा 144 की अवधि बढ़ी। जी हाँ दोस्तों, अब 21 अप्रैल तक लागू रहेगी धारा 144, 22 मार्च से और 21 अप्रैल तक लागू रहेगी धारा 144। गृह विभाग ने जारी की अवधि बढ़ाने की अधिसूचना। बढ़ते कोरोना संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए अहम निर्णय लिया गया है दोस्तों। पहले 21 मार्च तक लागू थी यह धारा, लेकिन अब जो है इसे 21 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों, धारा 144 की जो अवधि है वो बढ़ चुकी है और इसी में जो है एग्जाम डेट भी जो है बढ़ने के पूरे पूरे आसार नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल जो है ये खड़ा होता है कि दोस्तों, क्या रीट एग्जाम 2021 की, यानी कि जो पात्रता परीक्षा है राजस्थान की, जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है, उसकी एग्जाम डेट जो है बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसके बारे में इस वीडियो में आज हम आपको अपडेट देने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, रीट 2021 परीक्षा की तिथि बदलने की मांग जो है एक बार फिर से सुर्खियों में उठ चुकी है और रीट के ऊपर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। इस संबंध में राजस्थान की पूर्व सीएम ने भी ऑफिशियल ट्वीट करके एग्जाम डेट को बदलने की बारे में यहां पे बात की है, यानी कि वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट करके और इस परीक्षा को बदलने की मांग की है। तो दोस्तों, राजस्थान पात्रता परीक्षा की जो तिथि है जो 25 अप्रैल तय की गई है, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी रीट की परीक्षा तिथि बदलने की मांग पर समर्थन करते हुए ट्वीट किया है और पूर्व सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि रीट परीक्षा 2021 की तारीख को लेकर कुछ छात्रों ने मुझसे संपर्क किया। वह परीक्षा महावीर जयंती के पर्व पर आयोजित की जा रही है, जिससे कुछ अभ्यर्थी पर्व मनाने से वंचित रह सकते हैं। संबंधित विभाग से मेरा अनुरोध है कि छात्रों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सुनकर तत्काल समाधान की जो कार्यवाही है वो की जाए। दोस्तों, आपको बता दें, वैसे तो हम बात करें 25 अप्रैल को राज्य भर में रीट परीक्षा का आयोजन होगा और उसी दिन महावीर जयंती भी है, तो ऐसे में जैन समाज के संगठनों का कहना है कि महावीर जयंती होने के कारण जैन समाज के अभ्यर्थी जो है रीट परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते, इसलिए परीक्षा तिथि जो है उसको बदला जाए, उसको आगे खिसकाया जाए। तो दोस्तों, आप रीट परीक्षा तिथि के बदलाव के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप रीट परीक्षा तिथि की जो 25 अप्रैल जो डेट है उसमें आप बदलाव चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों, विधानसभा में भी जो है इससे पहले मांग उठ चुकी है, इससे पहले विधानसभा में भी इस लिखित परीक्षा तिथि को बदलने की मांग उठ चुकी है। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायक कालीचरण सराफ ने यहाँ पे स्थगन प्रस्ताव के तहत रीट परीक्षा तिथि की तारीख बदलने की मांग उठाई थी। उन्होंने कहा था कि रीट 25 अप्रैल को होनी है, जिस दिन महावीर जयंती है, और इसके अगले दिन आखा तीज होने की वजह से काफ़ी भारी मात्रा में भीड़ देखने को मिल सकती है, जिससे काफ़ी शादियाँ होंगी। तो उन्होंने कहा है कि सरकार इन बातों को ध्यान में रखते हुए दोनों तारीखों से पहले या बाद में रीट परीक्षा तिथि का आयोजन करना चाहिए, ताकि सभी अभ्यर्थी जो है परीक्षा में शामिल हो सकें। वहीं दोस्तों, बात करें अगर रीट परीक्षा तिथि जो है आगे खिसकाई जाती है, तो दोस्तों लगभग 16 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, तो उनकी तैयारी पर पानी फिर सकता है। विभिन्न सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स के माध्यम से बात करें तो अब तक राजस्थान
के अंतर्गत सबसे बड़ी भर्ती यानी कि रीट पात्रता परीक्षा लगभग 16 लाख से अधिक अभ्यर्थी इसमें भाग ले रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार लेवल वन की परीक्षा के लिए भी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आवेदन करने की जो अंतिम तारीख थी वो 20 फरवरी 2021 जो थी वो तय की गई थी, लेकिन दोस्तों लगभग हम बात करें 16 लाख अभ्यर्थियों को बहुत ही बड़ा यहाँ पे खामियाजा उठाना पड़ सकता है अगर रीट परीक्षा तिथि का आयोजन समय पर नहीं होता है तो। दोस्तों काफ़ी ही भारी मात्रा में यहाँ पे अभ्यर्थी जो है एक बार फिर से बेरोजगार रह सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करें तो रीट परीक्षा तिथि का आयोजन जो है दो पारियों में किया जाएगा, यानी कि जो 25 अप्रैल को जो हाल फिलहाल एग्जाम डेट है वो 25 अप्रैल को ही फिक्स है, लेकिन लगाया जा रहा है अनुमान कि पूरी तरीके से एग्ज़ाम डेट जो है बदलने के लगभग 99.9% चांस नज़र आ रहे हैं। दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पारी जो है कक्षा 6 से 8 यानी कि बीएड वालों के लिए सेकंड लेवल की जो एग्ज़ाम है वो पहली पारी में लिया जाएगा 10:30 से 12:30 बजे तक। उसके बाद जो सेकेंड पारी होगी यानी कि जो दूसरी पारी होगी उस दूसरी पारी में कक्षा 1 से 5 यानी कि फर्स्ट लेवल का एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट लेवल में समय रहेगा 2:30 से 5 बजे तक का समय रहेगा। दोनों ही पेपर में सभी प्रश्न जो है 150 प्रश्न आएंगे और समय रहेगा दोस्तों 2.5 घंटे। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे, किसी भी प्रकार का नकारात्मक अंक यहां पे नहीं है। जो फर्स्ट बार अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी यहाँ पर मैं उनको बता दूँ कि 150 प्रश्न आएंगे जिसमें कोई नकारात्मक अंक नहीं है यानी कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पहली पारी में बीएड वालों का एग्ज़ाम होगा यानी कि सेकंड लेवल वालों का, और उसके बाद फर्स्ट पारी में जो है एसटीसी वालों का एग्ज़ाम होगा। अब दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पे सीपी जोशी ने भी अपना मत दे दिया है, जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान के लोकसभा के सांसद अध्यक्ष सांसद के सदस्य हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 18/3/2021 यानी कि 18 मार्च को जो है उन्होंने ये यहाँ पर नोटिस दिया है, ये प्रार्थना पत्र यहाँ पर लिखा है। दोस्तों श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा जी शिक्षा मंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर, महावीर जयंती के दिन रीट 2021 की परीक्षा के आयोजन को न करवाने के संबंध में यहां पे जो है ये नोटिस लिखा है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि राजस्थान सरकार के द्वारा आगामी 25 अप्रैल 2021 को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट का आयोजन किया जाना है, लेकिन इसी समय जो है 25 अप्रैल को जैन समाज के आराध्य देव भगवान महावीर स्वामी जी का जन्मदिन है, जिसको महावीर जयंती के रूप में राजस्थान ही नहीं बल्कि विश्व भर में मनाया जाता है। यह जैन समाज के लिए बहुत ही बड़ा पर्व है। यह सदैव परंपरा रही है कि किसी भी पर्व के दिन किसी भी परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता है, लेकिन राजस्थान सरकार ने इस पावन पर्व महावीर जयंती के दिन ही राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 को आयोजन करने की तारीख जो है 25 अप्रैल तय की गई है। परोस के दिन जो है परीक्षा के आयोजन से जैन समाज नहीं बल्कि अपितु भगवान महावीर जयंती को आराध्य मानने वाले व भगवान महावीर के बताए मार्ग पर चलने वाले इस दिन परीक्षा में भाग लेने से वंचित रह सकते हैं। वो परीक्षा देने जाए तो एक साल बाद आने वाले इस पर्व को नहीं मना पाएंगे। इस वजह से यहाँ पर जो है उन्होंने आग्रह किया है कि रीट परीक्षा तिथि जो है महावीर जयंती के दिन आयोजित न करवाकर किसी अन्य दिन आयोजित करवाने की कृपा करें। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी लोगों ने जो है रीट परीक्षा तिथि को लेके अपना अपना मत रख दिया है, तो आशा करता हूँ कि रीट परीक्षा तिथि जो है बदलने के पूरे पूरे आसार नज़र आ रहे हैं, रीट परीक्षा तिथि बदल सकती है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं रीट परीक्षा तिथि बदले या नहीं बदले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जैसे ही कोई भी बड़ी अपडेट आती है रीट परीक्षा तिथि को लेकर तो हम सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अवगत कराएंगे। इसके लिए आप वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल घंटे के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर पाएँ। और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।